तो भाई साहब रेसलमेनिया 40 में कॉडी रोड्स की स्टोरी फिनिश होगी या नहीं होगी ये तो नहीं पता, लेकिन कॉडी रोड्स और रोमन रेंस की स्टोरी में फैमिली भी इन्वॉल्व हो चुकी है। तो भाई रॉक ने जब से थप्पड़ मारा है भाई साहब, वो थप्पड़ की गूंज पूरे रोड्स फैमिली में गूंज रही है। तो इसलिए आज की वीडियो में कॉडी रोड्स के भाई गोल्डस और उनके पप्पा यानी कि डस्टी रोड्स भी कॉडी रोड्स का साथ देने के लिए आ गए। और रोमन रेंस तो आए ही आए हैं, प्लस WWE के नए बॉस द रॉक, न्यू बॉस न्यू मिस्टर मिकमैन आ चुके हैं, और उनके साथ रोमन रेंस के पप्पा सीका सर भी, आपा नहीं है सीका है। भाई सिर्फ WWE के ही नहीं, रॉक हो सकता है कि ब्लड लाइन के भी न्यू चीफ बन जाए, द हाई चीफ। भाई देखो फैमिली में जब बात और आती है ना तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, सीका सर पूरी ब्लड लाइन फैमिली का बदला लेने के लिए आई है। कॉडी रोड्स क्यों लिया नाम फैमिली का भाई? अरे वो सब ठीक है, देखो रॉक ने थप्पड़ मारा ठीक है, पूरे अरीना में पोस्टर्स किसने लगाए ये बताओ मेरे को। वो सब भाई जब से रॉक WWE के नए बॉस बने तब तक रॉक के राज में ये सब होता रहेगा, तो भाई आदत डाल दे। कॉडी रोड्स को चिढ़ाने के लिए रॉक सर ने ये जो कारनामा किया है ना, पूरे रिंग में पूरे रिंग पोस्ट में पूरे अरीना में पोस्टर्स छाप दिए यार, वो कहावत को लिटरली ले लिया रॉक ने, भाई पोस्टर छपवा दूंगा। इस रोमन रेंस वर्सेस गोल्डस्ट क्या मुकाबला करेगा भाई, न्यू ब्लड लाइन न्यू एरा न्यू WWE न्यू ब्लड लाइन। ठीक है रॉक ने एक चीज बोली थी कि एक ही रॉयल फैमिली है, पर उसने शायद थोड़ा सा गलत बोला है क्योंकि एक और रॉयल फैमिली है और उसकी थीम सॉन्ग में लिटरली। अच्छा वो तो पता चल जाएगा इस मैच के बाद। गोल्डस सर टैग दे दो, है रॉयल फैमिली, आप रॉयल फैमिली के नाम पे थोड़ा सा कम खेल रहे हो इसलिए आप टैग दे दो। अरे आप तो अच्छा खेल लो भाई, फिनिशर दे यार ऐसे डस्टी सर, लेकिन डस्टी सर को मिल चुका है। देखो मैं रियलिटी बताऊं ना तो डस्टी सर को रोमन एक्स पे ज्यादा गुस्सा नहीं है, रॉक को टैग दो भाई। रॉक पे हो रोमन पे हो या सीका सर पे हो, ब्लड लाइन इज ब्लड लाइन, फैमिली इज फैमिली। अच्छा ठीक है, पूरी की पूरी फैमिली को डस्टी रोड सर जब एलिमिनेट करेंगे ना, और वैसे भी उनका बेटा रेसलमेनिया 40 में बहुत ज्यादा चांसेस है कि अपनी स्टोरी फिनिश करके वो चैंपियनशिप जीतेगा जो डस्टी रोड कभी नहीं जीत पाए। भाई स्मैकडाउन में याद है तुझे क्या बोला पॉल हेमन ने? अच्छा रॉक सर के साथ आ रहा है ना, रॉक के साथ रोमन आ रहा है, लो भाई खा गया। अरे सर आप तो एलिमिनेट मत हो यार, पोस्टर देख लो, आप लोगों को मोटिवेट करने का काम किया रॉक सर ने, पोस्टर्स देख लो पूरे अरीना में पोस्टर्स लगा दिए। और अगर तुमने शेर का बच्चा टूर्नामेंट अगर मिस कर दिया है तो याद करो भाई, रॉक हर बार कॉडी रोड्स को एलिमिनेट कर रहा है। अच्छा भाई। अच्छा आयरनी तुम लोग देखो कि शेर का बच्चा टूर्नामेंट में डस्टी रोड सर उमंग की टीम की तरफ है, और यार फैमिली तो फैमिली 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 फैमिली। और अगर लाइव स्ट्रीम होने वाला है शायद आखिरी लाइव स्ट्रीम हो शेर का बच्चा का, क्योंकि अमन के पास प्लेयर बचे ही नहीं है यार, क्या करेगा। कोई दिक्कत नहीं है भाई गोल्डस सर, बदला तो निकालना है, हो सकता है कि शेर का बच्चा ना बन पाए पर डस्टी रोड का बच्चा तो बन करके दिखाना आप दोनों को। वन किक आउट हो चुका है, नॉकआउट ऑन है। हाँ नॉकआउट ऑन है भाई, और मेरे को लगता है कि रॉक सर को एलिमिनेट कर सकते हैं गोल्डस। नहीं नहीं रॉक की अभी हेल्थ ज्यादा है, गोल्डस की कम है रॉक से ज्यादा। रॉक के बाद स्पाइन बस्ट अभी, ओ भाई सर आ गया दुश्मन, थप्पड़ का बदला पोस्टर्स देख करके मारना, बिल्कुल सही लड़के, क्या ही मारा है तुमने पोस्टर देख करके। अरे कॉडी रोड्स यार कितनी जल्दी फिनिशर लगाता है। वन अच्छा रोमन से कोई दुश्मनी नहीं, रोमन एक काम करो तुम साइड में आराम करो अपना, एकदम चिल करो। तो भाई 40 में मैच कर ले रॉक के साथ, रोमन को छोड़ दे। नहीं रॉक को यही मारना है ना भाई, रॉक को यही एलिमिनेट करना है। तो भाई अब आ चुके हैं रोमन के पप्पा सीका, सीका सर फिनिशर लगा दिया क्या? सर पे अटैक, ओ भाई फिनिशर था गया यार, ये क्या समोन वाला फिनिशर था भाई साहब, एकदम सीधा सर पे मारेंगे ऐसा थोड़ी होता है। सीका सर ने डायरेक्टली एक मैसेज दिया है पूरे WWE को और तुझे भी। अच्छा। पता है क्या, मेरे सर पे चढ़ के नाचो मत। अरे भाई साहब सर पे चढ़ के क्यों नाच रहे हो कॉडी रोड्स यार, वो अपने आप फिनिशर लेकर के आ चुके हैं सीका सर। भाई कॉडी रोड्स आई थिंक एक फिनिशर का रह गया है, वाओ यार मोमेंटम जहाया, अरे मां कसम कॉडी रोड्स पहुंच गया यार, जहां तक मेरे को याद है सीका सर का तो यार समोन ड्रॉप हुआ करता था फिनिशर, अभी तो बदलता रहता है, रॉक बना है ना नया मालिक तो बदलता रहता है। सीका सर सीधा फिनिशर चेंज कर दिया यार, वो भी इतना डेविस्टेटिंग फिनिशर लगा रहे हो, तीन फिनिशर लगा दिया कॉडी रोड्स को। लव यू सीका सर, आई लव यू यार। कॉडी रोड्स तीन फिनिशर खाने के बाद भी बच गया फिनिशर, अरे फिनिशर ग्लिच कर गया कसम से। भाई देखो रॉक जब से, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ, रॉक जब से मालिक बना है ना सारा सब कुछ फेवर होगा ब्लड। भाई मैं सच्ची बता रहा हूँ 2K में भी रोमन रेंस और रॉक कुछ ज्यादा ही अच्छा खेल रहे हैं, रॉक ने ये लगा दिया फिनिशर यार, एक फिनिशर में सीका सर चले जाएंगे, कॉडी रोड्स तो तीन फिनिशर में नहीं गया। वो सीका सर का फिनिशर क्या है और ये कॉडी रोड्स का फिनिशर, रोड्स फैमिली का फिनिशर कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, ये देखो फिनिशर लगा दिया सीका सर, प्लीज बेइज्जती हो रहा है भाई साहब, मैं बोला ना तुमको फाइनली कॉडी रोड्स एलिमिनेट, अब तो तू मैच जीत भी गया ना तब भी मुझे फर्क नहीं, कॉडी रोड्स गया। डस्टी रोड्स सर फिनिश करो, डस्टी रोड अपने बेटे के बदले आप ही स्टोरी फिनिश कर दो, या फिर गोल्डस्ट तुम भी कर सकते हो, फिनिशर तुम्हारे पास भी है।
गोल्डस्ट की एनर्जी बहुत ज्यादा है इस पीआर सेकंड एलिमिनेशन रुक जाए करो यार 2-3 मिनट रुक जाए करो डस्टी रोड्स 1v2 कर पाओगे क्या आप कर सकते हो लेकिन लगता तो है क्योंकि डस्टी सर काफी खतरनाक है मेरी टीम के तरफ से खेल रहे शेर का बच्चा और काफी डेंजर फिनिशर रोमन इसके पास फिनिशर नहीं है पर डस्टी रोड्स इसका फायदा तो उठा सकते हो अच्छा मूव टिप भी नहीं है फिलहाल तो पर 3-3 फिनिशर डस्टी रोड्स के पास है जिस टाइप की हरकत की थी ना भाई साहब रोमन एक्स के पापा ने बेचारे कॉडी रोड्स के साथ 3-3 फिनिशर वो हरकत आप भी कर सकते हो रॉक का बदला अरे यार रॉक फिनिशर लगाने गया रॉक एलिमिनेट लगा दिया फिनिशर रॉक एलिमिनेट हो जाओ एलिमिनेट एलिमिनेटेड भाई चलो दिल को सुकून मिल गया भाई इस फिनिशर रोमन भी एलिमिनेट 1v2 डस्टी रोड्स ओपी नहीं बच गया रोमन तो बच गया रोमन की हेल्थ फुल है रोमन की काफी ज्यादा हेल्थ है लेकिन डस्टी सर के पास एक फिनिशर और एक सिग्नेचर भी देख रेफरी रॉक मालिक बन चुका है चीटिंग मत करियो ट्रिपल एच ने अनाउंस कर दिया भाई कि जो फाइनल डिसीजन होता है ना द गेम ट्रिपल एच ने यार पहली बार डस्टी सर का फिनिशर बचाते हुए मैंने किसी को यार वो फिनिशर भी बचा लिया और आई थिंक अब रोमन एक्स के पास सिग्नेचर फिनिशर है डस्टी रोड सर इतना स्टैंड कर पाओगे आप क्या सिग्नेचर फिनिशर रोमन का पता नहीं देखते हैं फिनिशर और सिग्नेचर के लिए रोमन एक जा चुका है और दिस इज मेरे को कसम से लगा था एलिमिनेट हो जाएंगे रेजेंट क्या लगता है हाँ वो तो चला ही जाएगा टू रेजेंट भी बच गया डस्टी रोड्स सर ओपी फिनिश द स्टोरी यार इसकी स्टोरी कौन सी है जो फिनिश द स्टोरी किसको वो गोल्ड चाहिए अब उसका जबरदस्ती तो कॉडी रोड इनके बदले में ही चैंपियनशिप जीत रहा है तो इससे अच्छा है ये कि डस्टी रोड सर जीत जाए ये देख ये देख यार ये सीन तू देख रॉक पोस्टर्स लगा रहा है देख लो ना तुम लोग नीचे में रिंग पोस्ट के नीचे में यार ये रॉक पोस्टर्स लगाया है सच्ची बता रहा हूँ मैं सुपरमैन 5 और एक फिनिशर भी आने वाला है रोमन रेंस के पास कभी भी डस्टी सर टाटा बोल सकते हैं आ गया फिनिशर डस्टी रोड हो सकता है कि तुम्हारे भी एक फिनिशर में रोमन रेंस टाटा बोलते हैं अभी फ्री किक मत करवा लेना चल बच गए कम से कम एटलीस्ट ये तो बच गया और रेफरी याद रखियो मालिक रॉक है ब्लडलाइन मालिक है गया लगता है यार ये तो एक ना रॉक सर ने ना बड़ी गलत हरकत की मत जाना मत बच गया रेजेंस खत्म हो चुका है इतना तो पता है इतने तो इविल मिस्टर मैकमैन भी नहीं थे इतने नहीं खैर वो तो नेक्स्ट लेवल के पर ठीक है इतने इविलनेस तो उन्होंने WWE में दिखाई ही नहीं थी क्योंकि उन्होंने पोस्टर नहीं लगवाए थे यार भाई वो क्या कर रहे हैं कॉडी के कारनामे के पोस्टर सब जगह छप चुके रोमन ने बोला भी था यार सील और डील हो चुका है इसको नहीं देना था भाई मैच जीत चुका है नया बॉस और उसका फैमिली अपने तो अपने होते हैं और कॉडी रोड्स के जीतने के तो सपने होते हैं भाई ऐसा कुछ सपना नहीं है क्योंकि वो सपना रेसलमेनिया 40 में पूरा होगा पर फिलहाल तो ये ट्रायू यानी कि न्यू अथॉरिटी यानी कि न्यू ब्लड लाइन पता नहीं क्या क्या बन चुके हैं ये लोग न्यू पर मालिक ये टीम जीत चुकी अच्छा इस टीम का टावर करना बनता है हाँ भाई तो नए मालिकों का टावर तुम लोग देखना चाहते हो तो देख लो भाई इस टीम का ये चैंपियन बना हुआ है वो मालिक बन गया है ये आप क्या बनना है सीकर सर आप हाई चीफ हो मतलब चाहिए क्या आप लोगों को सीधा बताओ खत्म करो मैटर तो भाई इसी के साथ वीडियो खत्म होता है और अगर नए मालिकों का तुम लोग टावर देखना चाहते हो तो कमेंट करके बताओ तो चलो मिलते हैं तुम लोगों से अगली वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय टेक केयर एंड नेवर ट्राई दिस एट योर होम बाय बाय टाटा